आज हम जा रहे हैं पेरिस के हृदय मंदिर। जी हाँ, और वो भी हमारे बोकारो के सेक्टर 9 में। तो चलो चलते हैं। क्या आप भी घूमना चाहते हो पेरिस? क्या आप भी जाना चाहते हो पेरिस के हृदय मंदिर? तो यार हम आ चुके हमारे बोकारो के सेक्टर 9 में, जहाँ भी लगा है हमारे पेरिस का ये हृदय मंदिर का पूरा का पूरा भंडार, वो भी हमारे दुर्गा पूजा के अवसर पर। चलो आपको घुमाते हैं। खूबसूरत सा पेरिस का ये पूरा का हृदय मंदिर का पंडाल, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे बोकारो के सेक्टर 9 का दुर्गा पूजा पंडाल, जो है पेरिस के हृदय मंदिर के थीम पर, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसका ये देख रहे हो आप लोग लाइटनिंग शो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये देखो, यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ लग चुकी है भाई। ये पूरा का पूरा पंडाल जो आप लोग देख सकते हो पेरिस के सेक्रेट कोर के थीम पर बनाया गया है, जिसका मतलब है सीक्रेट हार्ट, और इसी से इसका नाम रखा गया हृदय मंदिर। फ्रेंड्स, 100 फीट ऊंचा हमारा ये पूरा का पूरा पंडाल बहुत ही ज्यादा भव्य दिख रहा है, और इसकी जो लाइटनिंग शो है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड इस पूरे के पूरे पंडाल को बनाने में लगभग 30-35 लाख का खर्च आया है, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अद्भुत और बहुत ही मीनिंगफुल पंडाल बनाया गया, और बीच में हमारे महाबली हनुमान जी, और ये देख सकते हो उनका ये झंडा भी फहरा रहा है। चलो अब चलते अंदर और देवी माँ के करते दर्शन। तो प्रेम से बोलो माता रानी की जय। तो आप लोग देख सकते हो, ये हमारे बोकारो के सेक्टर 9 का पूरा माता रानी का मूर्ति, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि माँ किस तरह से महिषासुर का वध करती है, और अभी ये पूरा का पूरा शो चलाया जाएगा। और यार एक एक बारी में इतने सारे लोग आ रहे हैं शो को देखने के लिए कि ये पूरी की पूरी जगह एक बार में भर जा रही है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शो फिर से स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और आई थिंक बोकारो का भी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल माता रानी का मूर्ति भी यही होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग किस तरह से माँ दुर्गा धरती पे बढ़ती हुई बुराई को खत्म करने के लिए असुरों को विनाश करती है, और अपने शस्त्र से, अपने त्रिशूल से किस तरह इस राक्षस का अंत करती है। और ये पूरा का पूरा शो बिल्कुल ही 3D में दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मनभावन लग रहा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इस पूरे के पूरे शो को देखने के बाद। और ये सभी मूर्तियाँ पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जो कि बिल्कुल ही रियल एंड 3D लगती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मीना बाजार वगैरह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ थोड़ी बहुत चीजें भी खरीद सकते हो। भाई साहब, यहाँ लिखा है फोटो खींचना मना, मैंने तो वीडियो ही बना ली। तो ये यहाँ का पूरा मीना बाजार, जो कि आप लोग देख सकते हो। और चलो अब आपको यहाँ के झूले भी दिखाते है। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये देख सकते हो आप लोग, ये बच्चों के बहुत ही कुदकू वाले गेम्स। वाह भाई वाह, ये झूले भी बड़े कमाल के। एंड फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से झूले लग चुके हैं, और इनमें लाइटनिंग्स तो भाई क्या ही कहना। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे बड़ी वाली तारों माची भी लगी हुई है, और उफ, ये लाइटनिंग तो हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है यार अपनी तरफ। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ हमारा ये पंडाल। ओ माई गॉड, यहाँ से तो मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा। सो फ्रेंड्स, इस मेले और पंडाल को घूमते घूमते यार मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मैं भी देखो मस्त माता की चुनरी की तरह लाल लाल ओढ़नी ओढ़ के चल रही हूँ। और ये देखो, ये हमारा ड्रैगन ट्रेन भी लगा हुआ है, और ये भाई नाव वाले झूले, इससे तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। और भाई अगर आपकी जान पे बनाए तो आप लोग ये नाव वाले झूले पे जरूर आ जाना। ओ भाई साहब, एंड यही बगल में लगा हमारा एरोप्लेन। ओ भाई, भैया भी एरोप्लेन की तरह देख रहे हो, पुदक पुदक के छलांग लगा रहे हैं। और ये हमारे छोटे छोटे से बच्चों की सवारी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यार, ये है हमारे यहाँ का पूरा मेला, जो कि आप लोग बताओ आपको कैसा लगा।